गाजीपुर से अरुण कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। दीवान के लाइन हाजिर होने के बाद पुलिस चौकी को रामपुर पतारी से हटाने के लिए ग्रामीणों द्वारा की गई मांग। गाजीपुर दुल्लाहपुर थाना अंतर्गत रामपुर पतारी ग्राम सभा के लोगों ने रामप्यारे सरोज दीवान जो त्रिभुवन चौहान की पत्नी लालसा देवी के साथ प्रेम प्रसंग का मामला एसपी गाजीपुर के संज्ञान में चल रहा है। अभी तक रामप्यारे सरोज दीवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश अभी तक देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस चौकी रामपुर पतारी में गलत तरीके से स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस चौकी कहीं और है, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश इतना बढ़ गया था कि आज दिनांक 18 दिसंबर 2022 को दुल्लाहपुर थाना पर जाकर धरना देने के लिए तैयार थे। तभी दुल्लाहपुर थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया बुझाया और कहा कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, जिसमें ग्रामीणों को एक महीने का आश्वासन थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव ने दिया है कि पुलिस चौकी भी हट दिया जाएगा। आज के परिवेश में इस वक्त आपको क्या आश्वासन मिला है, किसके द्वारा? यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय जी आए थे, उन्होंने कहा है कि अरे थाना अध्यक्ष आए थे, कहे कि आपकी बात पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हो गई है। मैं खुद एक पत्रक लिखूंगा उप जिला अधिकारी महोदय जी को कि रामपुर पतारी से पुलिस चौकी हटाकर बहलोलपुर में जहां पे पुलिस चौकी आवंटन है वहां पर कर देंगे। तब हम लोग एक महीने में कहे हैं, कल हम लोग जाएंगे पुलिस अधीक्षक महोदय जी हटा देंगे, अलग चीज है। लेकिन एक मुद्दा आपके ग्राम सभा में जो ये चल रहा है दीवान जी को लेकर, उस पे आपका विचार क्या है और ऊपर से क्या आदेश मिला है? इस पे देखिए, पूरे पूरे ग्राम सभा के लोग थे, महिलाएं थी, बहने थे और नौजवान साथी थे, पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं। इस तरह की दुर्घटना न हो, इस तरह के और लोग आकर जिस तरह राम प्यारे सिपाही करें और लोग न करें, इसलिए यहाँ से पुलिस चौकी हटाकर और इस तरह की अगर घटना होती है तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे जब तक त्रिभुवन चौहान को न्याय नहीं मिल जाता है। अपना नाम बताएं। त्रिभुवन चौहान, ग्राम रामपुर पतारी, थाना दुल्लापुर। इतनी भारी संख्या में किस लिए आप उपस्थित हुए हैं? जो अत्याचारी जो वर्दी के आड़ में छिपा था राम प्यारे सरोज, उसके ही प्रावधान में जो हमारे बीवी के साथ कैसा दुष्कर्म किया, इसके लिए खड़े हैं। तो यह मामला कितना दिन हो गया आपको एसपी साहब के संज्ञान में? कितना दिन हो गया हमारे समझ से एसपी साहब संज्ञान में? 14 तारीख का। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ? अभी हमको तो इतना पूरा मालूम नहीं है, मतलब वो लाइन हाजिर हो गया है इतना मालूम है। लाइन हाजिर हो गया है जी। अच्छा, चलिए ठीक है। सर अपना नाम बताएं। पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज शब्द वेदी सेना प्रमुख। आज यहाँ इतनी भारी संख्या में आप लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? देखिए, आज हम लोग बहुत संख्या में हमारे नौजवान साथी हैं जो कि एक सिपाही हैं थाना दुल्लापुर अंतर्गत राम प्यारे सरोज, जो कि पूर्व में एक ऐसी निंदनीय घटना कर दिए थे उनके जो त्रिभुवन चौहान जी इनके परिवार के साथ मिलकर दुष्कर्म, ये मामला जांच का विषय है, चल रहा है। और यहाँ से रामपुर पतारी में एक पुलिस चौकी है अवैध ढंग से, यहाँ पे पुलिस द्वारा दमबंगई से रहा जाता है, उसके खिलाफ चौकी पर राम प्यारे दीवान जी रहते थे। इसी पुलिस चौकी पर रामपुर जो कि पुलिस चौकी है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बहलोलपुर के नाम से स्वीकृत है, लेकिन यहाँ पे दमबंगई से रामपुर पतारी में पुलिसकर्मी रहते थे, लेकिन उसी संबंध में आज हम लोग जा रहे थे पुलिस अधीक्षक महोदय जी के द्वारा ज्ञापन देने यहाँ से पुलिस चौकी को हटाने के संबंध में। भारी संख्या में यहाँ पे अभी थाना अध्यक्ष महोदय आए थे दुल्लापुर, उन्होंने बताया भी है, कल हम लोग आप लोगों के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ था जो इनके परिवार पर इस तरह की घटना जो सिपाही द्वारा हुआ है। सिपाही लाइन हाजिर तो हो गए हैं, लेकिन हम लोगों की जाँच की मांग है, जाँच भी हो रही है और उनको कड़ी से कड़ी मैं चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिस तरह गुंडे माफिया पे बुलडेजर चलता है उसके घर पर भी बुलडेजर चलना चाहिए। क्या लाइन हाजिर से आप लोग संतुष्ट नहीं? लाइन हाजिर से संतुष्ट नहीं, ऐसे लोगों को उस जांच में पाए गए जो पुलिसकर्मी हैं राम प्यारे सरोज सिपाही हैं उसके के ऊपर 376 जो बलात्कार का मुकदमा लगता है वो लगाकर उनको जेल में जाने की जरूरत है और उनके ऊपर उत्तर प्रदेश प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी
से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह गुंडे माफिया पर बुलडेजर चलता है तो इस वर्दी धारक पर भी बुलडेजर चलाने की जरूरत है प्रशासन को।